सांड ने पूरी ताकत से मारी बाइक सवार को टक्कर, गर्दन की नस कटने से हुई मौत। शहर में एक आवारा सांड ने एक बाइक सवार पर हमला कर दिया। तेजी मारी टक्कर में सांड का सींग बाइक सवार की गर्दन में घुस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। लोगों ने बुजुर्ग को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी अस्पताल पहुंचने से पहले ही सांसें थम गईं। यह मामला गुरुवार को गंगानगर में चर्चा का विषय बना रहा। जिला कलेक्टर ने इस संबंध में अधिकारियों की बैठक भी ली। सदर थाना पुलिस के ड्यूटी ऑफिसर हवलदार मनी राम के अनुसार बुजुर्ग अपनी बाइक से नाथावाली से श्री गंगानगर आ रहे थे। विश्वास विद्या मंदिर स्कूल के पास सड़क किनारे खड़े सांड ने ऐसे हमला किया जैसे वे उनका ही इंतजार कर रहा हो। सांड ने भागते हुए इस तरह हमला किया कि सींग बाइक सवार की गर्दन में जा घुसा। उन्होंने हेलमेट भी लगा रखा था, लेकिन सींग लगने से उनकी गर्दन की नसें कट गईं। इससे उनकी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 4F1 जवाहर नगर निवासी सतीश तलवार 65 पुत्र आनंद तलवार के रूप में हुई। मृतक होलसेल भंडार में जीएम रह चुके हैं। अधिकारियों पर हो सकता है गैर इरादतन हत्या का केस। शहर को बेसहारा गोवंश से मुक्त रखकर साफ सुथरा रखना जिला प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर दोनों ही इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं तो इन पर कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही का मुकदमा दर्ज हो सकता है। दूसरा, बेसहारा गोवंश से मौत को IPC की धारा 304 में गैर इरादतन हत्या के आरोप में भी मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इस संबंध में गुरुवार को कोई केस दर्ज नहीं कराया गया। हालांकि जिला कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक लेकर 15 दिन में गौशाला शुरू करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि ऐसा ही एक हादसा हनुमानगढ़ में हुआ था। तब परिवादी ने कोर्ट में सभापति आयुक्त अन्य पर इस्तगासा दायर किया था। कोर्ट ने सभी पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिए थे।